नमस्कार, मैं हेमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। शीत युद्ध के दौरान आज के दिन की गई थी नाटो की स्थापना। शीत युद्ध के शुरुआती दौर में 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन यानी नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो एक सैन्य गठबंधन है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो के पहले महासचिव लॉर्ड इश्मे थे। वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं। नाटो सहयोगी कहे जाने वाले ये देश संप्रभु राज्य हैं, जो राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और सर्वसम्मति से सामूहिक निर्णय लेने के लिए नाटो के माध्यम से एक साथ आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को आज के दिन छोड़नी पड़ी थी झांसी। 4 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी सेना के खिलाफ भीषण संघर्ष करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़नी पड़ी थी। अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करने वाली रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर कालपी पहुंची और फिर वहां से ग्वालियर रवाना हुई। इसके बाद तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज के दिन शुरू हुआ था बैटल ऑफ कोहिमा। दूसरे विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़ कहा जाने वाला बैटल ऑफ कोहिमा 4 अप्रैल 1944 को शुरू हुआ था। इस युद्ध ने एशिया की तरफ बढ़ते जापान को रोक दिया था। यह युद्ध 3 चरणों में 22 जून 1944 तक लड़ा गया था। कोहिमा का युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज एवं जापान की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। बैटल ऑफ कोहिमा को ब्रिटिश सेना से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई घोषित किया गया है। कोहिमा के युद्ध में दोनों तरफ भारतीय सैनिक थे। एक तरफ नेताजी की आजाद हिंद फौज थी तो दूसरी ओर ब्रिटिश सेना में भी भारतीय थे। हिंदी कवि, लेखक, नाटककार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का आज के दिन हुआ था जन्म। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में बावई मध्य प्रदेश में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय कवि, लेखक, निबंधकार, नाटककार और एक पत्रकार थे, जिन्हें विशेष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी और छायावाद में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को पंडित जी भी कहा जाता है। उन्हें 1955 में उनकी कृति हिम तरंगनी के लिए हिंदी में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म भूषण के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाले उनके कार्यों के लिए उन्हें युग चरण कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।